अभी के लिए जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल भी मेरे साथ में है, मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और अनिल भी लगातार पंजाब और हिमाचल पर नजर बनाए रहे, चुनाव प्रचार के दौरान भी, चुनाव में वोटिंग और फिर काउंटिंग के दौरान भी। अनिल, अभी क्या खबरें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर तो हिमाचल से तय नाम बताया जा रहा है, लेकिन कई पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें हैं कि कंगना रनौत पहली बार लड़ी, पहली बार जीती और अब कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकती है। बिल्कुल कंगना, बिल्कुल रचना, जिस तरह से विपिन ने बताया कि अगले कुछ मिनट जो हैं बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि फोन कॉल जो हैं लगातार आ रहे हैं और 11:30 के आसपास पीएम जो है संभावित मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे, तब तक ये तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अनुराग ठाकुर का मंत्री बनना तय है, लेकिन कंगना या फिर राजीव भारद्वाज, दो ऐसे नाम हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, जिनके नाम जो है पब्लिक डोमेन में है, जिस तरह से आपने कहा। और लगातार पिछले आधे घंटे से जो है रचना फोन कॉल्स आ रहे हैं और सभी मंत्री जो वेट कर रहे हैं सांसद मंत्री बनने का, वो जो है टकटकी लगाए रखे हैं, क्योंकि नड्डा और अमित शाह लगातार एक साथ बैठे हुए हैं और संभावना ये है कि हो सकता है कि जिस तरह से चर्चा है कि हिमाचल से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, बीजेपी हिमाचल को जो है बड़ा इनाम मिलने की उम्मीद जो है हिमाचल के लिए जाती है। बीजेपी तो जानी ही स्ट्रेटेजी के लिए जाती है वंदना, और मुझे लगता है राहुल जी को इसमें इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। अब चूंकि बीजेपी बहुत सोच समझ कर पहले तो कैंडिडेट्स चुनती है, टिकट का बंटवारा होता है और फिर वहीं से मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड चलता होगा कि अगर जीत कर आया तो आगे क्या जिम्मेदारी होगी। नहीं देखिए, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। मैं तो अभी तो हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पे एक पुराने जो है कि नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट काटकर मोहन लाल शर्मा जी को टिकट दिया गया था और वो प्रथम बार में ही थे और उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया। तो स्पष्ट था कि जब मोहन लाल जी को जिसमें टिकट दिया गया था चुनाव लड़ाने के लिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसी समय तय कर लिया था कि उन्हें वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अभी जैसे हम लोग दो राज्य की चर्चा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे कि 100% परिणाम प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश 100% परिणाम प्राप्त हुए हैं, वहाँ से तो देखिए मंत्री पद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि इसी समय में इस साल जैसे विधानसभा चुनाव हरियाणा में है, अगर हम लोग देखें तो विधानसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में भी है। इन दोनों, महाराष्ट्र में प्रदर्शन एनडीए का काफ़ी खराब रहा है वहाँ पर, ऐसे स्थिति में देखिए वहाँ से वो किस प्रकार से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर कम प्रतिनिधित्व देंगे तो फिर विधानसभा चुनाव में खराब खराब प्रभाव बनाई जा रही है राहुल जी, क्योंकि एक तरफ परफॉर्मेंस की बेसिस पर भी ध्यान रखा जा रहा है, आपने जिक्र किया विधानसभा चुनावों का, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कितना जरूरी होगा, कितने मंत्री वहां पर बनाए जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। चांदनी जी भी हमारे साथ हैं, चांदनी जी, क्योंकि यहां पर बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि जो मंत्री परिषद का साइज है क्या उसको एक्सपेंड किया जाएगा सहयोगियों के लिए, या फिर जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उनको कम किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो कम से कम 15 ऐसे मंत्री होंगे संख्या के हिसाब से जो पिछले टर्म के मुकाबले कम हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से इस बार ये मंत्री पद दिए जाएंगे, ये कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि इस बार एनडीए का अलायंस 2014 और 2019 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ज़्यादा एक एग्जर्टिंग है उस तरीके से कि इस बार अलायंस के साथ एक मेजॉरिटी बनी है, ना कि एक बीजेपी के खुद के दम पे मेजॉरिटी बनी है। मजबूरी भी है, जरूरी भी है। एग्जैक्टली, मजबूरी भी है, जरूरी भी है। लेकिन ये कहते हुए भी बीजेपी हमेशा एक बीजेपी के साथ जुड़े हुए जो बीजेपी के एलाइज भी हैं वो हमेशा एक आइडियोलॉजी से चलते हैं, जो उस आइडियोलॉजी को मैच नहीं करते वो उस अलायंस में नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चाहे फिर तो टीडीपी का रहना मुश्किल हो जाएगा, मुस्लिम आरक्षण पर फिर पेच फंसेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए एज आई सेड कि अलायंस उस तरीके से है कि आप एक आइडियोलॉजी को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन जहाँ पे चांदनी जी, लेकिन एक अच्छा मौका भी है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, ये दिखाने का कि सहयोगियों की अनदेखी का जो आरोप उन पर लगता है वो गलत है। जी बिल्कुल, और एक्चुअली जो सहयोगियों पे भी जो आरोप लग रहा है एलाइज पे कि वो लोग अलायंस में रहने के लिए इतना सब कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खारिज होता
हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हम नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, इनकी जब हम स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनके स्टेटमेंट से, चिराग पासवान के स्टेटमेंट सुनते हैं, ये जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बीजेपी के साथ अलायंस के लिए, लेकिन जब हम उनके स्टेटमेंट सुनते हैं तब एक अश्योरेंस मिलता है कि नहीं इनको अब यही तो बड़ी जिम्मेदारी बड़े भाई की तरह बीजेपी को निभानी है कि सभी को साथ लेकर भी चलना है, विचारधारा भी एक पटरी पर चलनी चाहिए ताकि फिर कोई बिखराव ना हो, जिसके इंतजार में पहले से विपक्षी दल के नेताओं की निगाहें हैं और बयान लगातार चल रहे हैं, आज तक भी, आज सुबह तक भी, जबकि शाम में शपथ ग्रहण होना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में रहने के लिए, चूंकि आज खास दिन है देश के लिहाज से, मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण आज शाम से, लेकिन हमारी के ब्रिज सुबह से, और उसको लेकर सिक्योरिटी के भी इंतजाम है वंदना।